नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट न्यूज पर। टैबलेट स्मार्टफोन से संबंधित जो लगातार खबर हैं वो आ रही हैं, और लगातार हमारे पास PDF भी आ रही हैं जिनमें आप अपने नाम देख सकते हैं और नाम देखकर अपनी तारीख देख सकते हैं कि किस दिन आपको लैपटॉप और टैबलेट मिलने वाला है। तो ये देख सकते हैं, इसमें MA इंग्लिश की छात्र दिए हैं और ये लिस्ट है हमारे पास। ऐसी जो है हमारे पास कई लिस्ट हैं जिनमें नाम दिए हैं और सभी छात्र के। देखिए ये जो है MJP यूनिवर्सिटी की है और ये MA की है, यानी कि PG के जितने भी कोर्स हैं इसमें सब जो है PG की कोर्स हैं। इसके बाद एक खबर और है उसको दिखाएंगे हम। और देखिए इसके बाद जो जैसे कि 31 तारीख तक भी वितरण होने वाला है, तो उनमें उसका वितरण भी हमारे जो चैनल टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट न्यूज नाम से, उस पर आप देख सकते हैं जाकर, और वहाँ उसको ज्वाइन भी कर लें जिससे कि लगातार जो भी PDF आए वो आपको सबसे पहले वहाँ पर प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं एक और ज़िले की जो खबर मिल रही है हमें। लगातार जो है जिले वाई जिले खबर मिल रही हैं और लगातार जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है टैबलेट स्मार्टफोन का। तो आइए उस खबर पर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने से डिजिटल इंडिया को मिलेगी धार, यानी कि ये डिजिटल इंडिया का जो सपना है सरकार के द्वारा देखा गया है उसको धार देने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। तो देखिए ये वाराणसी की खबर है, यहाँ पर काशी विद्यापीठ के 5 जिलों कि 2,02,470 लोगों के पंजीकृत हैं, यानी पंजीकृत जिनका हो गया है छात्रों का, उनको टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। आप ये जो वाराणसी में जो इतने छात्रों को मिल गए हैं और आगे जो है मिलने वाले हैं, लगातार इसका वितरण जो है चालू है। और देखिए इसकी जो है लागत 2,035 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10,740 रुपये की दर से 10.5 लाख मोबाइल और 12,606 रुपये की दर से 7,20,000 टैबलेट ऑर्डर दिए गए हैं। ये जो है किसकी खबर है, ये वाराणसी की है, और ये जो डाटा है वो वाराणसी में इतने छात्रों को दिया गया है। वैसे तो जो है 1 करोड़ छात्रों को वितरण होना है टैबलेट स्मार्टफोन का। और भी अपने ज़िले की आपके ज़िले की खबर जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।